विदिशा जिले के पठारी के पास बालाजी धाम बड़ोह में आयोजित होने वाले 51 कुंडात्मक संकट मोचक श्री राम महायज्ञ को लेकर बालाजी धाम के सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया, जिससे बालाजी धाम पड़ोस के महंत श्री श्री 108 श्री विष्णुदास जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बालाजी धाम बड़ो में होने वाले श्री राम महायज्ञ समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई एवं 2 फरवरी दिन गुरुवार को समय 10 बजे से भव्य कलश यात्रा के संबंध में भी जानकारी दी गई एवं सभी समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी से कार्य करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान समिति प्रबंधक बलराम सिंह यादव, राजेश रिछारिया, जनपद उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सहित समिति के सदस्य एवं क्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। धाम में बालाजी सरकार के इस प्रांगण में दी है, उसको मर्यादा में रखते हुए जो अच्छे से अच्छा हो सके वो करने का एक हमारा अपना प्रयास है, करना आप लोगों को है, करते आप लोग हैं। हमारा कार्य है आप लोगों को एकत्रित करके एक माला में परोके अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे और आपको किस कार्य को अंत तक निर्विवाद, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करते हुए, बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, लेकिन हम अपने आप को संत नहीं मानते, हम तो एक सेवक मानते हैं और सेवक उन सभी का जो धर्म से संबंधित जुड़ा है। बालाजी सरकार की सेवा के साथ साथ मानव सेवा हमारे सबसे अहम धर्म है, गौ सेवा, मानव सेवा। अब चूंकि हमारे पास व्यवस्थाएं गौ माताओं की नहीं है, आगे चल के अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो गौशाला का भी निर्माण करवाएं, साथ साथ में मेन जो उद्देश्य है यज्ञ से संबंधित, तो हमारा आप लोगों से कहना यही है, हमारे माननीय प्रबंधक बलराम साहब जी बैठे हुए हैं, हलकोरी वर्तमान सरपंच बैठे हुए हैं, राजभान जी बैठे हुए हैं, राजविचारिया जी बैठे हुए हैं, नेत्रा बनाए गए हैं, रवि विचारिया हैं, सरस जी हैं, हमारे गांव से लाल सिंह जी हैं, सतीश जी हैं, और सभी के नाम कुछ लोगों के नाम जानते हैं, कुछ के नहीं हैं। गुमान सिंह जो हमारा पुराना सरकार का सेवक ही रहा, आज भी है उपस्थित है, सौरभ दीक्षित हैं सरपंच, पूर्व सरपंच गिरिराज जी के सुपुत्र श्री। बालाजी सरकार की जय। यज्ञ भगवान की जय। बालाजी धाम पर उपस्थित सभी भक्तों का सरकार की ओर से आशीर्वाद और हमारी ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं। आपके धाम पर, बालाजी धाम हमें आपके धाम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संकट मोचन 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन, उसी संदर्भ में हमारे श्री बलराम सिंह जी यादव जी उपस्थित हैं। चूंकि ये यज्ञ है और यज्ञ का मतलब ही हिंदू धर्म का एक प्रतीक, पर्यावरण सुदृढ़ हेतु और धर्म को जागृत करने हेतु और सभी लोगों को एकत्रित होने का एक मौका, साथ साथ में अपने सनातनी होने के नाते हम और आप मिलकर जो शिकार को यज्ञ है, हवन है, कथाएं हैं, यही अपने लोगों का कार्य भी है। तो हर धर्म में जिस प्रकार से एक नई नई जागृतियां पैदा हो रही हैं, उसी के साथ में चूंकि न्यू तो यज्ञ है, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कभी किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, ना किसी ने बनाया है, आज तक विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये बता दे कि सनातन धर्म किस दिन पैदा हुआ।
सनातन धर्म तो प्रकट हुआ है। भगवान के पहले, ईश्वर के आने के पहले भी सनातन धर्म था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।